खाली आंटी, खून। माली आंटी उठिए, चाबी कहाँ पे? नहीं पता मैम। पता नहीं मतलब क्या? जाइए, कैसे भी चाबी लेकर आइए, हमें चाहिए अभी के अभी, जाइए। और इस लेटर के साथ तुम आदि की लाइफ से बाहर होती हो काव्या बंसल। आदि अब मेरा हुआ, वो तुम्हें अब कभी नहीं मिल सकता। इनमें से कोई एक है मैम। अब कन्या वर के आगे चले। क्या करें? मालिया आंटी कैसे हाल में होगी? छठा फेरा संपन्न हुआ, अब सातवां और आखिरी फेरा। इसके बाद में आप पति पत्नी हो जाएंगे और जीवन भर एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। थैंक यू हमसे दूर ना जाने के लिए। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। एक सेकंड, ये आप यहाँ आई कैसे? किसने किया ये? और कौन करेगा? राधिका। माँ, ये क्या हो रहा है काव्या? ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है आदि। अंदाजा भी नहीं है कि इसने किया क्या है। इसने मालनी आंटी को कमरे में, ए लड़की, मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना। काव्या तुम कितनी बड़ी झूठी हो, आदि को पाने के लिए इतनी डेस्परेट हो, कुछ भी बके जा रही हो। छोड़ो इसे, आदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, प्लीज इस शादी को रोक दो। राधिका, तुमने हमारी मम्मी पे हाथ उठाया, उन्हें कमरे में बंद कर दिया, अब तुम ही बताओ क्या करें हम तुम्हारे साथ। बोलो। मम्मी, छोड़ेंगे नहीं हम अपने भाई की शादी में बिघन डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। है? वो भी इस लड़की के कहने पर? पापा, हम काव्या की नहीं, हम मम्मी की बात कर। भैया, क्या हुआ मम्मी के साथ? राधिका ने मालनी आंटी के सर पे मारा और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। माँ, ये क्या, ये
सारे सच कह रही। राधिका मालिनी के साथ ऐसा क्यों करेगी? जिससे इसकी और आदि की शादी हो जाए और रोकने वाला कोई भी ना। गलती काव्या की है, ये बीच में क्यों आई? माँ सच बताओ, क्या हुआ आपके साथ? राधिका ने मुझे काव्या की चिट्ठी पढ़ते हुए देख लिया था। कैसी चिट्ठी? वही चिट्ठी जो काव्या ने मुझे लिखी थी कि वो आज भी तुम्हें चाहती है। पर किसी मजबूरी के कारण उसने तुम्हें छोड़ा। कैसी मजबूरी काव्या? काव्या ने आपसे वादा किया है, हमने नहीं, और हम काव्या का साथ नहीं छोड़ने वाले। और फैसला आपको करना है, यह आपकी मर्जी से होगा या आपकी मर्जी के खिलाफ। कसम आपने लिए बंसल साहब, और हम आपकी अर्धांगिनी है, तो इस नाते काव्या को कसम से मुक्त कराने का आधा हक तो फिर हमारा भी बनता है ना? अच्छी? बनता है ना? अब ये उद्गी है। अंजलि, रोको इसे। पंडित, ये शादी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। गिरी, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। थोड़ी देर के लिए अपना अहंकार, अपनी खुदगर्जी को भूल जाइए और देखिए अपने बेटे की आंख में। काफी उसका प्यार है, उसकी खुशी है। गिरी, आगे बढ़ने के लिए आज एक माँ का सामना करना पड़ेगा। पंडित जी, ये शादी किसी भी हालत में। आज अपने कदम रोक लीजिए गिरी, क्योंकि आपके सामने आपकी पत्नी नहीं, आदि की माँ खड़ी है। हमारे खिलाफ जाओगी तुम? आज जरूरत पड़ी तो किसी से भी लड़ जाऊंगी। फिर संपन्न हुए। मैं आदि को फिर से खो दी था पापा, वो किसी और का हो गया, मैं उसे छोड़ूंगी। सुन मेरी बात, तब तेरा एक बाप जिंदा है ना, ऐसा नहीं होने देगा। तू देख इस काव्या बंसल का क्या करता हूं। अब माता पिता के आशीर्वाद से वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे। पता है वो नाराज क्यों है? क्योंकि उनकी चल नहीं रही। क्या जैसे हम थे तो तुमने हमें छोड़ दिया था ना, क्योंकि हम तुमसे पागलों की तरह प्यार करते हैं। काव्या बंसल, वो आदमी दीवाना है तुम्हारे प्यार में। एक्चुअली बंसू, वो ना तुम्हें तड़प रहे आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, तड़प रहे हो क्या? देखना है तुम्हें? हाथ जोड़ो। अरे हाथ जोड़ो और झुको हमारे साथ। झुको।
तुम जो चाहिए बंसु वो हम तुम्हें दिलवाएंगे, बस तुम फिक्र मत करना कभी। लगा दो सिंदूर। क्या लगा कल लग के आशीर्वाद देंगे? ये हार के आगे प्यार दिखता नहीं है ना नेताजी। पूरे विधि विधान से स्वागत करेंगे। श्याम काका कलश तैयार करके लाओ और तुम दोनों घर के बाहर जाके खड़े हो जाओ, मैं अभी पूजा की थाल लेकर आती हूँ। रुक जाइए मां, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी उस घर में प्रवेश नहीं करेगी मां, क्या उसकी इज्जत नहीं है? काव्या आपकी बहू है, इस घर की नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।